नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। उदयपुर संभाग की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाना ना भूले और देखते रहे एकता समाचार। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया में सरपंच पद पर जीत हासिल करने वाली तुलसी मालेवार व उप सरपंच पद पर सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह चुनावत निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने पर सभी जीते हुए उम्मीदवारों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वार्ड पंच के रूप में डोला के वार्ड नंबर 5 से लाली कटारा एवं वार्ड नंबर 4 से उर्मिला अहारी तथा पार्ला हांडलिया के वार्ड नंबर 2 से दिनेश चंद्र डामोर एवं वार्ड नंबर 3 से जीवा कटारा द्वारा जीत हासिल करने पर सभी वार्ड पंच का स्वागत करते हुए जुलूस निकाला गया। एकता समाचार की रिपोर्ट। समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वागत के तहत आज नई पंचायत जो ये पार्ला हांडलिया के जो नई पंचायत बनी है उसमें हमारे ये नव निर्वाचित जो उम्मीदवार थे और जो भारी मतों से जीतने के बाद यहाँ पे एक अच्छा करिश्मा दिखने को मिला हमको एकता समाचार को कि इन सर्वसम्मति से समर्थन दिया भाई भूपेंद्र जी को। मैं शुक्रगुजार हूँ एकता समाचार की तरफ से डोला वालों का और पाडला हांडलिया वालों का जिन्होंने सबने मिलके तुलसी भाई को जिताया गुलाबपुरा और यहाँ के जितने भी 5 मेंबर थे इन्होंने आज यहाँ पे एक मिसाल कायम की। आपकी ये नई पंचायत है, नई पंचायत में कभी भी ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने सर्वसम्मति से भाई भूपेंद्र जी को निर्विरोध उप सरपंच चुना। भूपेंद्र जी बताइए, आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? और अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ होगा, मगर तो भी सर्वसम्मति से आप सब बैठे, इसके लिए मैं 1 घंटे से यहाँ पे हम लोग एकता समाचार की पूरी टीम थी और सर्वसम्मति से गांव वालों ने सबने मिल के एक मिसाल कायम किया। गांव वालों का पूरा सहयोग, धन्यवाद देता दोनों समाज को, सब जी जोड़ के काम भी करूंगा मैं सबका विकास के साथ। अब हमारे सामने वडील यहाँ के डॉक्टर साहब एकता समाचार की टीम मैं सभी नागरिकों का सद्भाव से आश्वस्त करता हूँ कि इन्होंने ऐसी मिसाइल कायम की कि मुझे खुद को भी थोड़ा डर हो गया था कि ये मिसाइल अगर कहीं गलत हो जाएगी तो हमारे एक थोड़ा एकता में कटुपन आ जाएगा, लेकिन डोला वालों ने, पाडला वालों ने, गुलापुरा वालों ने, क्योंकि एक होता है सरपंच गुलापुरा का, उप सरपंच गुलापुरा, ये फैक्शन कोई बात नहीं थी, एक मन के एक हमारे स्वर्ण की जाति का थोड़ा था कि हमारा एक प्रतिनिधि आवे तो हमारे इस कैबिनेट में रहे, काम सब सरपंच साहब कराएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे गांव का ये मेरा भतीजा है, उसको जो भी रात में से जो भी स्वर्ण और जितने भी ट्राइबल जो भी है रात में कहेंगे हम काम करने के तैयार है। मैं सरपंच साहब से ये आज निवेदन करता हूँ कि इनको सब चीजें भूल के पूरे पंचायत पाडला का विकास करना है, डोला गुलापुरा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको सबको मिल के यहाँ का गांव का विकास करना है, गांव का विकास करना है। और आपके सामने आनंद ले लो हमारे सरपंचपति भाई कचरा भाई बताइए ये जीत कैसे हुई? नव निर्वाचित ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया, मैं मेरी पत्नी तुलसी मालीवाड़ को ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने एकजुट होकर मिलकर विजय दिलाई और किसी के मन में मनमुटाव नहीं रहा। और अपने से हम यही चाहेंगे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कंधे से मिलाकर काम करेंगे और अधिक से अधिक विकास करने का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी आपको एकता समाचार की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सर्वसम्मति से सबको मिलकर एक मत और एक जाजम पर बैठकर जो निर्णय लिया उसके लिए आप क्या कहते हो, आप सबने मिलकर कैसा निर्णय लिया? सबने मिलकर हमारे वार्ड पंच हम 5 हैं जो धन्यवाद। इंटरव्यू
बटीले हमारे गमेती है, बटीले और गमेती और गांव के अग्रणी समाचार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वागड़ क्षेत्र में जो अध्यक्ष होता है उसको गमेती बोलते हैं। ये गमेती जी ने जो निर्णय लिया इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गमेती जी बताइए इसके लिए आप क्या कहते हो? मैं साहब आज निर्वाचित पंचायत हमारे ग्राम पाडला हंडलिया में बनी है और इन पंचायत के अक्षत्रवासी से दोनों डोड़ा नारायणपुरा पाडला हंडलिया और गुलापुरा और यहाँ का प्रशासन जो चुनाव कराने के लिए टीम है सबको मैं ग्राम पाडला हंडलिया की ओर से बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही आशा करता हूँ कि हमारी नई पंचायत को जो भी सरपंच साहब उप सरपंच साहब मेंबर सब मिलकर ऐसी सलाह किसी लोगों को दो दुगने हो सभी को बराबर रखें और वोट दिए वो भी बराबर रखें, नहीं दिए वो भी अपना माने और मान कर चले और सभी मिलकर हमारी पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम इसके लिए योगदान देंगे, सहयोग देंगे। हम छोटा सा कार्य करना होता है, हमारा एक अनुभव है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर। बहुत अच्छी बात बताई हमारे गमेती साहब ने कि हमने सर्वसम्मति से हमने सबका निर्णय लिया और यहाँ पे ये गांव में ये ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई यहाँ से वोट हमको नहीं मिला, विकास करेंगे। एक विकास के लिए हमारे गांव डोला के वडील हमारे जयंती भाई कटारा, जयंती भाई बताइए। मैं सभी इस मेरे गांव पाडला पंचायत नई पंचायत के सभी वार्ड पंच सरपंच साहब सभी को और मेरे पूरे क्षेत्र पाडला डोला गुलापुरा सभी लोगों से, पहले तो मेरे नारायणपुरा से और सभी लोगों से मेरा दो हाथ जोड़ करके विनंती ये है कि आपने नई पंचायत का नया गठन और नई मिसाल तैयार की। कुछ कुछ होता ही है कि चुनाव में कभी कभी एक दूसरे को मनमुटाव ना रखें, सबको मिलजुल करके काम करें। नई पंचायत नया विकास नया ही रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ सबको मिल करके काम करना है और सबको साथ सबका विकास करना है और आने वाले समय में ये पंचायत एक आदर्श बन करके रहे, सभी समाज को साथ में रख करके गरीब के गरीब का घर देखना है, रोड देखने हैं और पानी योजना कुछ सरकारी लाभ इस पंचायत में मिले, मेरा यही नम्र निवेदन है। भारत माता की जय। आपके सामने हमारे महंत जो कला राठौर के महंत है भाई जो भी डोला से विलंब करते हैं, भरत कुमार जी बताइए आपके डोला वालों ने और सबने मिल के यहाँ पे भाई तुलसी भाई को जिताया। हमारे ग्राम पंचायत नंदोर डोल अरे पाटला हंडिया डोला नारायणपुरा गुलाबपुरा हमारे ये अंतिम इच्छा है कि हमारे सब मिलजुल के डोला गुलापुरा हर लोगों की सेवा करें और विकास की काम करें, जो सबको खुश करें, ऐसा हमारी भावना है। कई साल से हम भटक रहे थे इस गांव और हमको आनंद हो रहा है कि अभी नई पंचायत बनी है तो हमारा गांव का डोला का भी विकास होगा, गुलापुरा का भी होगा, नारायणपुरा का, ये हमारी इच्छा है। भगवान और पंचायत बड़ी हमारी इच्छा पूरी करेगी। धन्यवाद। भरत जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम सब मिलके इस गांव का विकास करेंगे क्योंकि यहां पे नई पंचायत बनी है, नई पंचायत का एक इतिहास रहेगा। 54 पंचायतों में हमारे पाडला हंडेलिया का इतिहास रहेगा। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है भारती मेहता। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारती मेहता हूँ। इस गांव में पाडला हंडेलिया में मेरा ये 26वां साल रनिंग है। बहुत बड़ी बात। मैं भी हक रखती हूँ कि पहला विकास आंगनवाड़ी का होना चाहिए। आज 3.5 साल हो गए मैं इन्हें मेरे गांव के बच्चे लेकिन मेरे बच्चे तो मैं लेके इधर से इधर गडेरिया लुआर की तरह बच्चों को लेके घूमती हूँ। तो मेरी आंगनवाड़ी भवन बनना चाहिए और ये इन्हें नव निर्वाचन हुए वो इन्हें सबके गुलाबपुरा पाडला हंडलिया नारायणपुरा डोला की सबके इन्हें मिलकर इनको बहु उनको विजय बनाया उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल सब आई काका तुम्हें अंदर उतरो फोटो सब अच्छे।
नई पंचायत थी, नई पंचायत में यहाँ पे नवनिर्वाचित भाई तुलसी भाई मेंबर यहाँ पे सरपंच बनी और उप सरपंच भूपेंद्र जी चुंडावत बने। और आपका ये क्षेत्र है, इसके बारे में आप बताइए, इस गांव के विकास के बारे में थोड़ा बताइए। विकास के बारे में जो नई जो शुरुआत हुई है यहाँ पे नई पंचायत, इसमें बहुत अच्छा काम जुझारू मेंबर और सरपंच साहब। आपके गुलाबपुरा पाडला हांडलिया डोला के अंदर बहुत अच्छे मत मिले और सर्वसम्मति से अब चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के बाद आप गांव के विकास के बारे में सोचें, विकास के लिए विकास होगा और जरूर होगा। ये हमारे भरत कुमार जी, भरत कुमार जी बताइए, आप डोला से हो? ग्राम पंचायत पाडला हांडलिया डोला गुलापुरा, हम तो ये इच्छा रखते हैं कि हमारे पंचायत बॉडी अच्छा विकास करे, हमेशा के लिए ऐसी नैसी भावना बना रखे, एक दूसरे से मिलजुल के रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, अच्छा विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पाडला हांडलिया से यहाँ के मुखिया वडील आपके सामने है, बावसी। बावसी बताइए, यहाँ पे पहली नई पंचायत आपकी बनी है, क्योंकि कभी पंचायत नंदोड़ में जाती थी, कभी इधर जाती थी, ठाकरे में जाती थी, मगर ये पंचायत नहीं बनी, इसके लिए आप क्या कहते हो? प्रयास आपका भी इसमें काफी रहा था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा या गुरु परी साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नव निर्वाचित पंचायत पाडला हांडलिया के परिसर से सभी पधारे हुए महानुभाव मात्र शक्ति, आप सभी को मेरी ओर से, मेरे गुलाबपुरा की ओर से सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि पाडला हांडलिया डोला नारायणपुरा गुलाबपुरा सब ने मिलकर उप सरपंच के लिए जो दावेदार होते हैं, दो चार कोई अपनी अपनी भावना रखते हैं, सबका हक है, पर आप सब ने मिलकर जो मिसाइल काम की है, इसके लिए मैं तहे दिल से, मेरी ओर से, मेरी गांव की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही नव निर्वाचित पंच महानुभाव सब मिलकर सभी गांवों को समदृष्टि से देखकर काम करावे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। जय बहुत अच्छी बात बताई हमारे यहाँ के बावसी ने। अब आप गुलवीर सिंह जी, जो यहाँ के एक अच्छी वक्त रखने वाले और गांव में सबके भाईचारा रखने वाले हमारे गुलवीर सिंह जी, गुलवीर सिंह जी बताइए, आपकी नई पंचायत बनी, इसके लिए आप क्या कहते हो? सर्वप्रथम तो इन सबका स्वागत करता हूँ, सरपंच साहिबा और फोरम का, और खूब विकास काम करेंगे और पूरे पांचों वार्डो में जहाँ जहाँ कमी है उसका काम पूरा कराएंगे। किसी भी प्रकार की लोग कोई शिकायत लेके आते हैं आपके पास, तो उस शिकायत का समस्या का वो करें, समाधान करें। और केंद्र सरकार की भी एक मिसाल है भाई कि युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे हमारे युवा भाई प्रकाश भाई आपके सामने है। प्रकाश भाई बताइए, यहाँ पे आपकी नई पंचायत बनी है, नए पंचायत खड़ने के बाद सारे नए उम्मीदवार खड़े हुए थे, सभी को आपने जिताया, उसके लिए आप क्या कहते हो, आपका क्या क्या भूमिका रही? मेरा तो एक ही कहना है, सबका विकास होना चाहिए, छोटा भी को देखना चाहिए और बड़े को भी देखना चाहिए, यही है, गरीब को अमीर को एक साथ लेके चलना है और सबको नई पंचायत की ओर से नया मंडल है, इसके हिसाब से तहे दिल से यही नमन करता हूँ कि ये पंचायत के तहे दिल से यही बना रहे तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात बताई भाई ने, सबको युवाओं की ओर से इन्होंने, सब युवाओं की ओर से इन्होंने, प्रकाश भाई ने बोल दिया कि भाई युवा मिलके हम गांव का विकास करेंगे, इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर।